जहर माहौल में इंसान ने कुछ इस तरह घोला, हमारे घर में गौरैया कहाँ जाती है। विलुप्त हो रही गौरैया पर सिद्धार्थनगर के वरिष्ठ पत्रकार और शायर नज़ीर मलिक की ये दो लाइनें अपने आप में बड़ा संदेश है। आज गौरैया दिवस है। यह पक्षी हमेशा इंसानों के साथ रहती आई है, जिसके कारण इसे अंग्रेजी में हाउस पैरो कहा जाता है। अब इसकी संख्या तेजी से कम होती जा रही है। पहले मकान फूस कपरेल के होते थे, दीवालों में ताके बने होते थे जिसमें गौरैया आसानी से तिनका रख कर अपने घोंसले बना लेती थी, मगर अब मकान पक्के हो गए हैं, गौरैया के लिए घोंसले की जगह ही नहीं बची है। अब आवश्यकता है गौरैया के लिए अलग से घोंसला और उसके संरक्षण की। यूपी के पूर्व DGP और अब राज्यसभा के सांसद ब्रजलाल गौरैया के संरक्षण को लेकर काफ़ी सतर्क हैं, जो इनके प्राकृति प्रेम को भी दर्शाता है। कहते हैं उन्होंने अपने घर में गौरैया के लिए 35 घोंसले और अब इनकी संख्या लगभग 100 पहुंच गई है। इनके लिए दाना पानी हमेशा रखना आवश्यक है। आइए हम सब गौरैया दिवस पर निश्चय करें कि हम हर हालात में गौरैया का संरक्षण करेंगे। गौरैया है जो हमारे यहाँ से विलुप्त हो रही है, ये गौरैया बिगड़ते पर्यावरण के लिए से विलुप्त हो रही है और ये हमारे समाज के लिए, हमारी फसल के लिए, हमारी जिंदगी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये कम ही लोग एहसास कर पाते हैं। कभी सवेरे घर से बाहर उठिए और आपके घर के सामने एक छोटा सा पेड़ हो और उसकी गौरैयों की आवाज़ को सुनिए तो मुझे एक बात एक शेर याद आता है जो पर्यावरण गड़बड़ा रहा है देश का, कि जहर माहौल में कुछ इस तरह से घोरा इंसान है, जहर माहौल में कुछ इस तरह से घोला इंसान है कि हमारे घर में गौरैया कहाँ चहचहाती है। इस तरीके से जो पर्यावरण बिगड़ा है, अब किसी के घरों में गौरैया नहीं दिखती तो जाहिर है कि माहौल प्रदूषित है।